जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों आज है संडे और संडे को मैं लेकर आता हूं आपके लिए स्पेशल ओटीटी अपडेट वीडियो, जिसका एक पार्ट सैटरडे यानी कल मैं रिलीज कर चुका हूं, जहां पर मैंने फाइटर, कैप्टन मिलर और ऐसी काफी सारी और नई अपडेट्स आपको प्रोवाइड की थी। और अब इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं कुछ ऐसी मूवीज के साथ जो कंफर्म हो चुकी हैं और कुछ एंटिसिपेटेड मूवीज, तो इन्हें जानने के लिए वीडियो को पूरा सुन लेना। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अपडेट्स मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों अगर अभी तक मेरे इंस्टाग्राम से कनेक्टेड नहीं हो, टेलीग्राम से कनेक्टेड नहीं हो, तो वहां कनेक्ट कर लो, क्योंकि जैसे ही कोई ओटीटी अपडेट आती है भाई लोग आप इतने सारे मैसेज भेजते हो, तो थैंक यू सो मच उन सभी दोस्तों को जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं जैसे उनके पास अपडेट आती है, क्योंकि अगर मैं बिजी भी होता हूं तो भी मेरे को जो है अपडेट आप लोगों से मिलती रहती है और फिर मैं और लोगों के साथ इसको शेयर करता हूं। तो हमने बना लिया भाई एक ओटीटी अपडेट कम्युनिटी टाइप की बना ली है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू, और सबसे पहले बात कर लेते हैं एक नई अपडेट की जो आ रही है गुंटूर कारम मूवी की। गुंटूर कारम मूवी जिसे नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाना था, और पहले अपडेट थी कि इसे शायद सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड नेटफ्लिक्स ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, जहां उसने बोल दिया है कि भाई गुंटूर कारम मूवी को तो हम हिंदी में रिलीज करने जा रहे हैं, यानी गुंटूर कारम मूवी 9th of February यानी इसी हफ्ते रिलीज होगी नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे। और जब इसे रिलीज किया जाएगा इसे साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा, और नेटफ्लिक्स ने इसका पोस्टर खुद ही रिलीज कर दिया है, यानी कोई स्पेकुलेशन नहीं है, 100% रिलीज है गुंटूर कारम मूवी का हिंदी लैंग्वेज में इस हफ्ते। इसके साथ दोस्तों आप में से काफी सारे लोग मुझसे 100x मूवी के हिंदी अपडेट की डिमांड बार बार करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 100x की भी एक नई अपडेट निकल कर आ चुकी है। मूवी रिलीज होने जा रही है लायंस गेट के प्लेटफॉर्म पे फरवरी के मंथ में, और रिलीज होगा 23rd February को। 23 फरवरी से लायंस गेट प्ले के प्लेटफॉर्म पे 100x मूवी को हिंदी में रिलीज किया जाएगा। और ऐसा मेरा कोई एक तो ऐसा भाई आप में से जो बार बार मुझसे अपडेट मांग रहा था, तो भाई तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल अपडेट निकाल के अब तुम्हें प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों को द केरला स्टोरी मूवी का इंतजार था, मैंने 2 वीक पहले आपको ये बताया था कि अदा शर्मा ने अपने एक ब्रॉडकास्ट चैनल में इससे रिलेटेड एक छोटा सा हिंट दिया है कि Z5 ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके बाद उन्होंने एक सनफ्लावर का पोस्टर रिलीज कर दिया जो कि एक सीरीज है, तो लगा था कि शायद Z5 ने हमारा फुद्दू खींच दिया है। और अब अदा शर्मा ने जो है वो अपडेट जो डाली थी वो एक्चुअली वेब सीरीज के लिए डाली थी, जिसे हम मूवी समझ रहे थे। लेकिन कल अदा शर्मा ने इन स्पेकुलेशंस को क्लियर करते हुए अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे एक और अपडेट डाल दिया, जहां उन्होंने लिख दिया है इफ यू आर वेटिंग फॉर केरला स्टोरी ओटीटी रिलीज स्टे ट्यून्ड कमिंग वेरी सून, यानी कि केरला स्टोरी का रिलीज अब ऑलमोस्ट दोस्तों कंफर्म होने जा रहा है, मोस्ट लाइकली इसी मंथ हमें सुनने को मिल जाना चाहिए, क्योंकि अदा शर्मा इससे रिलेटेड काफी सारे जो है अब टीजेस जो है वो रिलीज करे जा रही है। इसका मतलब यह है कि भले ही क्रिएटर्स की तरफ से या किसी चैनल की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन अदा शर्मा काफी कॉन्फिडेंट है कि ये रिलीज होने वाली है, और ब्रॉडकास्ट में अपने मेंबर्स से लगातार इससे रिलेटेड बात करके उन्हें टीज कर रही हैं। तो दोस्तों केरला स्टोरी की अपडेट बहुत ही जल्द आने वाली है, मोस्ट लाइकली फरवरी के मंथ में इसकी अपडेट हमें सुनने को मिल जानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों वार्निंग 2 मूवी जो सिनेमाज में रिलीज हुई है, कल से ही मेरे भाइयों ने इतने सारे मैसेज डाल दिए वार्निंग 2 कब होगी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि वार्निंग जब पहले रिलीज हुई थी, जो इसका फर्स्ट वार्निंग 1 थी, उसे आपको पता है ओटीटी रिलीज मिला ही नहीं था, ये सीधा डायरेक्ट टीवी पे रिलीज हुई थी, वो भी अब्रॉड, और उसके बाद इसके प्रिंट्स धीरे धीरे मार्केट में आने शुरू हो गए थे। अब दोस्तों इस बार जो मेरे पास अपडेट है वो ये है कि वार्निंग 2 को पहले से ही चौपाल के पास रिलीज किया जाने का प्लान है, जो चौपाल और अमेजोन प्राइम का एक कनेक्शन है, उसके थ्रू इसे रिलीज किया जाएगा। तो अब एज ए ओटीटी रिलीज ये रिलीज हो सकती है, चौपाल और अमेजोन प्राइम के कॉम्बिनेशन वाला जो इनका सिस्टम है, जिसमें एक पे पहले आती है और दूसरे में बाद में आती है, उस तरीके के किसी रिलेशन में इसे रिलीज किया जाएगा। लेकिन रिलीज भाई कम से कम 60 डेज के बाद है, यानी कि 2 महीने के बाद है। तो अगर आप गिप्पी गरेवाल के फैन हो, उनके एक्शन के फैन हो, प्रिंस भाई के फैन हो, उनके एक्शन के फैन हो, सिनेमा में देखा वार्निंग 2 लग चुकी है, लेकिन अगर ओटीटी का इंतजार है 2 महीने वेट करना पड़ेगा मेरे भाइयों। इसके साथ साथ दोस्तों आप में से काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जोरम मूवी को कब किया जाएगा फ्री, क्योंकि जो लोग जोरम मूवी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए सडन अमेजोन प्राइम ने इसे 199 की रेंटल पे परसों से रिलीज कर दिया। और इसकी लीड में मनोज वाजपेयी मूवी काफी सारे अवार्ड्स जीत चुकी है, इसलिए इसको जो है काफी अच्छे रिव्यूज मिले थे, लोग इसका इंतजार कर रहे थे। तो जोरम मूवी को रेंटल पे अमेजोन प्राइम ने रिलीज कर दिया, और अब काफी सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं कि इसे एक्चुअली फ्री कब किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं 4 वीक्स का रेंटल प्लान है इसका, यानी कि अभी 4 हफ्ते तक जोरम जो है वो रेंटल पे रह सकती है, और उसके बाद ही इसे फ्री किया जाएगा। फिलहाल सिर्फ रेंटल बेसिस पे और जुगाड़ू प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है।
इसके अलावा जरा हटके जरा बच के ये मूवी कब रिलीज होगी दोस्तों, जो लोग मुझे रोज इसके लिए कमेंट करते हैं, कोई तो भाई हैं जो रोज लिखते हैं जरा हटके जरा बच के, पता नहीं आपका क्या प्यार है इस मूवी से। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये मूवी ऐसे ठंडे बस्ते में ऐसे है जिसमें से निकल नहीं पा रही है। उसका रीजन ये है कि जियो सिनेमा ने जब इसकी अनाउंसमेंट कर दी थी रिलीज की कि ये 2 दिसंबर को रिलीज की होगी और पोस्टर भी रिलीज किया था, उसके बाद इसे हटा दिया गया था रिलीज से क्योंकि वो चाह रहे थे कि किसी और बड़े प्लेटफॉर्म पे बेचना इसको विद अ हायर प्राइस। ये लोग पहुंचे नेटफ्लिक्स के पास, नेटफ्लिक्स पहले से ही एक बहुत लंबी रिलीजेज ऑफ लिस्ट लेके बैठा हुआ है जिनको वो धीरे धीरे रिलीज कर रहा है, तो फिलहाल तक इसलिए इनका जो डील जरा हटके जरा बच के मूवी को लेके है वो थोड़ा सा अटका हुआ है, तो यानी कि अभी तक इसके रिलीज की कोई भी अपडेट हमारे पास नहीं है। इसके अलावा सालार मूवी का जो वेट कर रहे हैं कि भाई ये मूवी एक्शन थ्रिलर हिंदी में हमें कब देखने को मिलेगी, इससे रिलेटेड मैं आपको 2 बार पहले भी अपडेट दे चुका हूं कि जो भाई सालार मूवी है ना इसे रिलीज किया जाएगा मिड ऑफ फरवरी में, 15 से 17 फरवरी के बीच में। अभी फिलहाल इसे साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में पहले रिलीज किया गया, उसके 2 हफ्ते बाद इसमें इंग्लिश लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया नेटफ्लिक्स पे, और अब जब इसका हिंदी रिलीज होना है तब इसमें हिंदी रिलीज जो है इसका उसके चांसेस जो है वो ये हैं कि 15-17 फरवरी के बीच में सालार मूवी को रिलीज किया जा सकता है नेटफ्लिक्स पे, क्योंकि जब भी हिंदी रिलीज होता है साउथ इंडियन मूवी का तो उसके बीच में ऑलमोस्ट 8 वीक्स का गैप ये लोग लेते ही लेते हैं। तो ये जो था सालार का वैसा ही कुछ हुआ है, तो मोस्ट लाइकली मिड ऑफ फरवरी में आपको सालार हिंदी में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये कुछ क्विक अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, आप कमेंट सेक्शन में डाल देना अगर कोई और अपडेट चाहिए, मैं कोशिश करूंगा सोर्सेस के थ्रू निकालने की, लेकिन जब भी मेरे पास भाई अपडेट आती है वीडियो तो आपको पहले ही देखने को मिल जाता है, तो इसलिए ऐसे अपने सपोर्ट को बनाए रखना, मैसेजेस करते रहना, प्यार बनाते रहना, कम्युनिटी बनाते रहना। तो अंटिल आई गेट बैक टू नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।